ज़ैनब ने कहा बाके कदमों से लिपट अब आए हो बाबा। इज्जत लखनवी ने शाहिद नकवी का यह कलाम तकरीबन 50 बरस का पढ़ा था, तहम ये आज भी इसी तरह तरोताज़ा है जैसे कल ही कहा गया हो, क्योंकि ये करबला से मंसूब है। गम शबीर में नौखानी की तारीख 1400 बरस पुरानी है, जिसका आगाज वाकया करबला के बाद ही हो गया था। 19वीं सदी में उर्दू जबान में नौखानी का आगाज बरसगीर से हुआ और क़याम पाकिस्तान की फौरन बाद ही आज़ादारी सैयद शोदा का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो आज तक न सिर्फ जारी और सारी है बल्कि इसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। पाकिस्तान में नौखानी की इब्तदा में सादिक हुसैन सज्जन, इज्जत लखनवी, आफाक हुसैन, जाफर दादा, सच्चे भाई, नाजिम भाई और अली जिया रिजवी ने नौखानी की कमान संभाली। बच्ची की तिशनगी को तुम आके खुद बुझाओ, अब्बास 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 पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ। सीने में जब तक अस्सी की दहाई में हजरत सादिक नदीम सरवर और नासिर जैदी ने सीनियर्स की राह पर चलते हुए मातम शब्बीर का अलम बुलंद रखा। अलम ना चचा ना शहे करबला, शाम हो गई थी जिसको नींद आती शब्बीर के सीने पर। इक्कीसवीं सदी में नदीम सरवर के साहबजादों समेत कई दीगर नौजवान साहिब ब्याज भी नौखानी के सफर में शरीक हुए और न सिर्फ अंदरूनी मुल्क शोहरत हासिल की बल्कि बैरून ममालिक भी आज़ादारी सैयद शोदा की तरवीज में अपना किरदार अदा किया। इन मशहूर नौखानों में मीर हसन मीर, शादमान, इरफान हैदर, शाहिद बल्दस्तानी, रजा अब्बास जैदी, मीसम, रजा बादशाह और नदीम सरवर के साहबजादे अली जी और अली शनावर समेत बहुत से नौखान शामिल हैं। वाजिद रजा सुहानी, कराची। खून बरसा खून बरसा, न बरसना था न बादल।